गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोग शुरू किए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने कैलिक्स के बारे में बताया, कोरोला के बारे में बताया, एंड्रोसियम के बारे में बताया और गाइनेशियम के बारे में बताया, उसका एक फ्लावर का पिक्चर ड्रॉ करके। आज हम लोग देखेंगे एस्टामेन के बारे में। एस्टामिन के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एस्टामिन का स्ट्रक्चर हमने कल भी बताया था आपको कि हम लोग इसको कहते हैं एंथर, इसको कहते हैं फिलामेंट, और इसको कहते हैं कनेक्टिव। एक नीट में क्वेश्चन आया था, जो कि हम आपको पोलिनेशन पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। एक नीट में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन क्या है। इमेस्कुलेशन इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एंथर को जब हम इस फिलामेंट से रिमूव कर देते हैं, जब एंथर इससे हट जाता है, तो उस प्रोसेस को हम इमेस्कुलेशन कहते हैं। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। अब हम एंथर का जब टीएस कट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलेगा। एंथर का जब हम टीएस कट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा। यहां देखिए डिटेल, यहां मिलेगा। ये टेट्राहेड्रल होता है, चार लोब का बना होता है। इसको कहेंगे पोलेन सैक कहते हैं। ये टेट्राहेड्रल होता है। जब हम इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। ये तीन लेयर से घिरा होगा। यहां पे आप देखिए, ये तो ये चार चैम्बर है, चार सैक हुआ। ऐसे होगा। इसके जब लेयर की जब हम बात करेंगे तो इसका लेयर आप तीन लेयर और बना लीजिए।
तीन लेयर बन गया। तो इसका जो लेयर है यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाई फोर लेयर। माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाई फोर लेयर, 1, 2, 3, 4। तो हम यहां पर लिखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाई फोर लेयर्स, नेमली, इसका नेम देखिए, पहला इसका है इपीडर्मिस, दूसरा है इंडोथेसियम, तीसरा है मिडिल लेयर और चौथा है टैपेटम। यहां देखिए एक छोटा सा एक यहां पे एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कनेक्टिव कहते हैं। इस डायग्राम हो सकता है कि आपके एग्जाम में को डायग्राम बनाने के लिए दे दे कि टीएस ऑफ ड्रॉ द डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ एंथर। टीएस ऑफ एंथर का जब डायग्राम दे, यहां पर यह लिख दे रहा है टीएस ऑफ एंथर, ये दे सकता है कि आप इसका डायग्राम बनाइए। तो आप इसमें लेबलिंग कीजिएगा, तो ये लेबलिंग में पहला आप यहां लिखिएगा इपीडर्मिस, दूसरा लिखिएगा इंडोथेसियम, तीसरा लिखिएगा मिडिल लेयर और चौथा जो आपका है ये है टैपेटम। ये तीनों जो लेयर है, आउटर जो थ्री लेयर जो आप देख रहे हैं, ये तीनों लेयर क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। तो यहां पर लिखेंगे ये तीनों लेयर क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट। और इसको टैपेटम जो है ये नॉरिशमेंट देता है, तो जब हमको इसके बारे में लिखना होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे द आउटर थ्री वॉल लेयर, पहला पॉइंट यहां लिख दीजिए द आउटर थ्री वॉल लेयर, द आउटर थ्री वॉल लेयर परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन। तो ये तीनों लेयर मिल करके, जब ये तीनों लेयर मिल करके इसको ये प्रोटेक्शन करता है, और चौथा जो है इनर मोस्ट लेयर इज द टैपेटम, इनर मोस्ट लेयर जो है ये प्लांट को नॉरिशमेंट देता है। एंड दूसरा पॉइंट हम यहां लिख दे रहे हैं द इनर मोस्ट लेयर, यहां पे द इनर मोस्ट लेयर इज टैपेटम, इट नॉरिशेज एंड डेवलपिंग पोलन ग्रेन, and developing
पोलन ग्रेन्स, तो यहां पे सबसे पहले ये दो पॉइंट को तो आपको लिखना जरूरी है, और तीसरा पॉइंट जो है ये इस जगह को हम माइक्रो एस्पोरेंजियम कहते हैं। इसको कहते हैं जब एंथर जब यंग हो जाता है, ठीक है, तो ये सेंटर में ये जो पार्ट ऑफ टेप्टम से जो घिरा हुआ है, इसको जो आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं माइक्रो एस्पोरेंजियम, और इसके अंदर ये जो टिश्यू जो होता है इसको हम कहते हैं एस्पोरोजीनस टिश्यू, एस्पोरोजीनस टिश्यू। आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ एंथर, व्हाट इज इमेस्कुलेशन, हाउ मेनी लेयर आर, हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ एंथर, व्हाट इज द रोल ऑफ थ्री लेयर्स एंड व्हाट इज द रोल ऑफ टैपेटम। तो ये समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।